अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू U4Universe, App-4 हियर अगेन। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने किसी भी बटन के या टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस लेते हैं यूजिंग fingViewById इन आवर जावा क्लास, उसको बेसिकली हम रिमूव कर सकते हैं और उसके बजाय हमारे पास एक लाइब्रेरी है बटन नाइफ, उसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से उसको प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं और किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up everyone, Saifullah here again with another video on Android development। और ये हमारे पास नोट टेकिंग एप्लीकेशन की आई थिंक सो थर्ड या फोर्थ वीडियो है, तो ये उसके रिलेटेड भी है। इसके अलावा जनरली भी आप एंड्रॉइड के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग में आपकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो नॉर्मल एक जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनोइंग होती है एंड्रॉइड डेवलपर, ये है कि हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है या बटन व्यू है, तो हमारे पास इसका व्यू लेने के लिए हमें क्लास लेवल के ऊपर इनको डिफाइन करना पड़ता है। फिर यहाँ पे नीचे इनको फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू इनको रेफरेंस लेना पड़ता है। फिर बटन के साथ हमें डिस्टेंस अटैच करना पड़ता है। तो उसके बजाय हमारे पास एक काफ़ी कन्वीनियंट लाइब्रेरी है बटन एफ, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसको ऐड करना पड़ेगा प्रोजेक्ट में। तो जाएंगे फाइल के ऊपर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर और डिपेंडेंसी विंडोज़ के ऊपर है, तो यहाँ पे आपको प्लस आइकन नजर आएगा। मैक के ऊपर यहाँ पे नजर आएगा लाइब्रेरी डिपेंडेंसी, और जो हमने यूज़ करनी है उसके लिए यू टाइप करेंगे बटन नाइफ, इसको सर्च करेंगे तो आपको लाइब्रेरीज मिल जाएंगे। लेकिन मेक श्योर कर लें जो हमने यूज़ करनी है बेसिकली हमारे पास पैकेज उसका है com.jquarton:butternife। ये बेसिकली com.jquarton के बाद सिर्फ बटर नाइफ होगा जो हमने यूज़ करनी है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ये जो लाइब्रेरी का वर्जन है ये बाद में मैं चेंज करूँगा, ये बेसिकली स्टेबल वर्जन नहीं है, इसकी वजह से हमारे पास एरर आते हैं। एक हमने और लाइब्रेरी ऐड करनी है, उसके लिए जो है वो बेसिकली हमें एनोटेशन प्रोसेसर चाहिए बटर नाइफ के लिए। और बटर नाइफ कॉलन कंपाइलर आप टाइप करें, आपके लिए ईजी हो जाएगा सर्च करना। तो एक ही लाइब्रेरी यहाँ पे हमें मिलेगी, इसको बेसिकली ओके कर देंगे। राइट नो, प्रोजेक्ट हमारा सिंक हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो है वो एरर आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि दो वजह है इसकी। पहली तो बात यह है कि मैं इस लाइब्रेरी को नहीं यूज़ करूँगा, ये वर्जन हमारे पास स्टेबल नहीं है। 8.8.1 को मैं यूज़ करूँगा जो भी हमारे पास स्टेबल है, 9.0 भी स्टेबल नहीं है। आप इसको यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर अपनी प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल फाइल चेंज करनी पड़ती है। सेकंड ये कि जो हमारे पास कंपाइलर है, इसके लिए बेसिकली हमने एनोटेशन प्रोसेसर को यूज़ करना है, ना कि इम्प्लीमेंटेशन को। अब आप प्रोजेक्ट को सिंक करेंगे तो प्रोजेक्ट हमारा सिंक हो गया, कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। तो इसको क्लोज करेंगे, आप देख लेते हैं किस तरीके से रेफरेंस लेना है। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पे हमारे पास बटन है, दोनों की आईडी भी दिखा देता हूँ। टेक्स्ट व्यू के लिए टेक्स्ट व्यू और बटन के लिए बटन आईडी है। तो मेन एक्टिविटी के ऊपर आएंगे, आप किसी भी रेफरेंस का व्यू लेने के लिए बाइंड करने के लिए आप यूज़ करेंगे एनोटेशन, और ये एनोटेशन बेसिकली आपने देखा हमारे पास बटन नाइफ से आप बाइंड व्यू। यहाँ पे बेसिकली उस व्यू की आईडी देंगे r.id.textView, और यहाँ पे बेसिकली आप डिफाइन कर लेंगे टेक्स्ट व्यू। और फिर बटन के लिए आप यूज़ करेंगे यहाँ पे ऑन क्लिक की, आपने देखा हमारे पास अगेन एनोटेशन है और वो बटन नाइफ से अगेन, तो इसके लिए अगेन यूज़ करेंगे r.id.button, और इसके लिए फिर मेथड डिफाइन कर लेंगे void। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट व्यू को एक्सेस करूँगा textview.setText, और इसको कह देंगे hello from java file। तो अब मेक श्योर करने के लिए बेसिकली हम किसी चीज़ को ब्रोक डाउन नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो बाइंडिंग है वो सक्सेसफुली हो जाती है। इसके लिए आप यूज़ कर लेंगे यहाँ पे butternife.bind, और इसके लिए this पास कर देंगे एज अ कॉन्टेक्स्ट, तो हमारे पास हमारी बाइंडिंग सक्सेसफुली हो जाएगी। इसको रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। तो आपने देखा इनिशियली हमारे पास हेलो वर्ड, और हमारे पास यहाँ पे हमारा बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने देखा हमारे पास हेलो फ्रॉम जावा फाइल यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। इसका टेक्स्ट साइज छोटा है, सॉरी यार मुझे बड़ा करना चाहिए था। बिल्कुल मैंने जो डेमो को देना था वो आपको समझ आ चुकी होगी थिंग्स ओके। हम बेसिकली आपने देखा व्यू का रेफरेंस भी वहाँ पे लेते हैं, उसको बाइंड कर लेते हैं, और बटन के लिए क्लिक भी हम वहाँ पे ही कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली बटन नाइफ के हवाले से कि हम इसको बेसिकली कोड को काफ़ी ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने बतानी थी, ये वीडियो का हमारा मेन टॉपिक था। वीडियो को स्टॉप करता हूँ, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें देखेंगे कि किस तरीके से अपनी नोट टेकिंग एप्लीकेशन के लिए रिसाइकलर व्यू को क्रिएट करते हैं और उसके लिस्ट आइटम को क्रिएट करते हैं शो करने के लिए, और कुछ उनको ट्वीक करेंगे। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, एंड अल्लाह हाफिज़।